श्रद्धा करने वाले नहीं, इसलिए इंद्र अभिमान न करो, ये अभिमान दुख का कारण होगा। आत्मा के सुख के बिना कोई भी सुख आया तो टिकने वाला नहीं है और दुख भी टिकने वाला नहीं। समय के काल में समय, समय के धारा में सब बह जाएगा। इसलिए इन वस्तुओं को सच्चा मानकर गलती में मत पड़ो। दुख दुख आया तो आए, दुख ही दुख भी आया है तो जाता है, सुख भी आता है तो जाता है। उन दोनों को जो देखता है वो मैं आत्मा ओम ओम ओम, उसको जानो तो सुख दुख के सिर पर पैर रखे परमात्मा की प्राप्ति। देवराज, तुम्हारी बुद्धि गंवारों की सी है, इसलिए एक न एक दिन अवश्य होने वाले अपने नाश की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। तुम्हारी बुद्धि गंवारों जैसी, एक दिन मौत के होगा, सब छूट जाएगा, मगर तुम्हारी नजर क्यों नहीं जाती? ये शरीर मरेगा और ये संबंध छूट जाएंगे, तुम्हारी नजर नहीं जाती तो तुम्हारी बुद्धि गंवारों जैसी है। आखिर ये कब तक, ये रिश्ते, ये नाते, ये अपने और ये कारोबार कब तक, ये पद कुर्सी और वाहवाही कब तक, और निंदा भी कब तक, दुख भी कब तक, सुख भी कब तक, सब समय की धारा में बीता जा रहा। उसको जानकर सुगम और संयमी धर्मात्मा बनकर अपने धर्म के फल ईश्वर को पा लेना चाहिए, चैतन्य बापू को जान लेना चाहिए। इंद्र, संसार में कुछ मूर्ख भी हैं जो तुम्हें अपने ही पराक्रम से उत्तम पदवी को प्राप्त हुए समझकर बहुत बड़ा मानते हैं, किंतु संसार में वे लोग मूर्ख हैं जो पुरुषार्थ करके कोई बड़ा पद पाके समझते कि हम अपने बल से ही पाया है, तो अपने बल से पाया तो अपने बल से टिका के रख सदा के लिए, समय के धारा में तो छोड़ देना पड़ता है। तो फिर मैं क्यों करते हो, पुरुषार्थ करो लेकिन अहंकार छोड़कर, देव की कृपा है, समय अनुकूल है। नहीं तो बड़े बड़े अपने बल से जोर मारने वाले भी समय अनुकूल नहीं होता तो पटके जाते। जो राज्य करते थे अब उनकी निंदा हो रही, और जिनकी निंदा होती थी अखबारों में अब उनकी वाहवाही हो रही। जो जेल में पड़े थे वो राज में आ गए, जिन पर केस लगे थे वो सत्ता में आ गए, जो सत्ता में थे उन पर केस लगने लग गए। उतार चढ़ाव इस संसार का, जो नन्ही नन्ही बच्चियां थी वो नानी और दादियां बन गई, और जो किसी जन्म की दादी थी वो अभी गर्भ में आके बैठी और बच्ची बन गई, जो कभी अच्छे पद पे थे वो अभी मुर्गे बनकर कुकुर कुकुर कर रहे, और कुल मुर्गे की योनी और बत्तख की योनी में थे वो भी कहीं ऊंचे पद पे बैठे। समय की धारा में सब बदल बदल, चांद भी बदला, सूरज भी बदले, धरती भी बदले, आसमान भी बदले, तारे भी बदले, ये जगत है अदला बदली का मेला। हम भी बदले, तुम भी बदले, दुख भी बदले, सुख भी बदले, मित्र भी बदले, शत्रु भी बदले, एक चेतना बदले रे, उस परमेश्वर की धारणा करके उसमें टिको मेरे। सफलता हो गई तो मैंने अपने बल से पा ली, तो टिका के दिखा अपने बल से। समय की धारा में तुम्हारी उन्नति के लिए ईश्वर की लीला है, उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव, ताकि उतार चढ़ाव को माया समझ के मुझ चैतन्य परमेश्वर में आकर मेरे जीव विचारे पूर्ण सुखी हो जाए, पूर्ण ज्ञानी हो जाए। क्या करें, हे
छह सिद्ध एक साधु हरा खूब रोया। आज से 30 साल पहले की बात है, वाराही में मेरा सत्संग का दिशा के पास 30-32 साल पहले। बड़ी उम्र का था उस समय में, तो 30 साल का लगभग था, 29-30 का समझो, आज से 35 साल पहले। यह आश्रम नहीं हुआ था, वहां रहते था। खूब रोया। मैं क्या महाराज, बोले मेरा सब कुछ चला गया, लोग मेरे को भगवान करके मानते थे, अब वो विरोध कर रहे, गालियां दे रहे, मेरी शक्ति चली गई, भला ना चला। तो मैंने कहा तुमने त्राटक किया था और किसी को पानी के संकल्प करके देते थे तो ठीक हो जाते, और किसी को कुछ हो तो पानी में देख के देते थे तो उनको फायदा हो जाता था। अब वो शक्ति खर्च हो गई तो तुम्हारा वो संकल्प फलता नहीं, तो फिर वो मित्र शत्रु हो गए, तो उसकी बस मेरे प्रति आस्था हो गई, श्रद्धा हो गई, सन्यासी था। आप तो जानोगे, हम गए तो बहुत छोटी बात है। एकाग्रता का बल होता है, धर्म का बल होता है, पुण्य का बल होता है, समय अनुकूलता का बल होता है, तो लोग वही करते हैं और कोई भी काम करता है तो सफल हो जाता है। और जब वो खर्च हो जाता है अथवा समय विपरीत हो जाता है तो फिर हो जाता है। एक ऐसी जगह है कि जहां से पतन और उत्थान नहीं, वो है इस सबसे परे अपना ओम का मूल स्वाभाविक चैतन्य। फिर वहां बाहर से तो उतार चढ़ाएगा, लेकिन शोभ नहीं होगा, दुख नहीं होगा। मंसूर को शूली पे चढ़ा दिया, पूजा जाता था और शूली पे चढ़ा गया तो अनलाभ। सुकरात को जहर दिया तो बोले मैं ये थोड़ी मारता हूं, ये मरेगा, मेरा क्या है। सुनो, हम ऐसी स्थिति आती है कि मीरा की वाहवाही करने वाले वाहवाही करते थे, निंदा भी खूब होती थी, वो फिर वाहवाही शुरू हुई, फिर निंदा हुई। उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, कहीं किसी स्थिति में अटको मत, सटको नहीं, अपने को भटको नहीं। ये स्थितियां बदलने की, और आप इसमें अपने को भटकोगे तो आपको घसीट डालेगी। होता है थया करे एवं नाम संसार दब्बा परिजन फला में तो सारो थी, जैसे कि वो मोटी बात नहीं। चाह करे छे भगवान, छे बापू, छे गुरु, छे बस परमात्मा, छे चाह करे। अगली बोलियो हा हा, तो क्या सुधी रहे से? एक दिन से तो आए छोड़ी देवानो शरीर, तो ये क्या रहना, ये मिल गया वो मिल गया, लेकिन ये भी छूट जाएगा। कुछ मिल गया और धन दौलत संपदा तो कब तक पकड़े रखोगे, और कुछ चला गए तो कब तक रोते रहोगे। मन रोइए कौन विचार, हंसिए कौन विचार, सो आवन को नहीं रहे सो जावन हार। गए सो आवन को नहीं, जो पद धन सत्ता जो गए, जवानी गई, गए सो आवन को नहीं रहे सो जावन हार। चाहे दुख रहे चाहे सुख रहे, सब जावन हार। उसके जाने के बाद भी जो रहता है उस परमात्मा में मेरी प्रीति हो जाए, उस परमात्मा में मेरी